हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। माय नेम इज लामिया नसीम और चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के स्टूडियो लेक्चर को। हम लोग पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जहां पर हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है लीनियर एलजेब्रा। प्रीवियस वीडियो की बात करें तो वहां पर मैंने आपको लास्ट कॉन्सेप्ट जो बताया था वो बताया था सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। उसके बाद मैंने कुछ आपको गेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के स्टूडियो लेक्चर को। आज के स्टूडियो लेक्चर का जो मेन अट्रैक्शन है वह है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। बट उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक कवर कर लेते हैं जो हम लोगों ने सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा था। उसमें एक चीज आपसे और कई बार पूछ लेता है कि हमको बताओ लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम। कोई सिस्टम है, आपने ये तो फाइंड आउट कर लिया कि भाई इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे या यूनिक सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। और कई बार एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कितने होने वाले हैं, तो उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे जरा देख लीजिएगा। एक बार आप रैंक को फाइंड आउट कर लोगे, ओके, रैंक आपको पता चल जाएगी क्योंकि आप क्या करते हो, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हो, फिर उसके बाद एक्लन फॉर्म में उसको कन्वर्ट करने के लिए रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, और उसके बाद सबसे पहले आप रैंक को फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि जब तक आपको रैंक नहीं पता चलेगी तब तक आप कंपैरिजन नहीं कर सकते कि भाई आपका यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। इसी के साथ साथ आपको एक और चीज पता होती है, दैट इज नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ओके, नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी आपको पता होते हैं एन से, कि तीन वेरिएबल है, कि चार वेरिएबल है, कि पांच वेरिएबल है। तो ये दोनों चीजें कौन सी चीज है, ये दोनों चीजें नोन है आपको। तो यहां पर अगर आपसे कोई पूछता है कि नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कितने हो गए, तो एन माइनस आर का जब आप डिफरेंस लोगे तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिल जाएंगे, या कह सकते हैं नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपको पता चल जाएंगे। और यही आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस बताइए कितना होगा। ओके, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा वहीं पर जहां पर आपने मेरे साथ प्रीवियस वीडियो वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करा था सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये उसी का ही पार्ट है। छोटा सा मिस हो गया था तो मैंने सोचा इस वीडियो में कवर कर लेना चाहिए, ताकि कोई भी चीज ऐसी ना हो जो एग्जाम में आती हो और मैं स्किप कर जाऊं उस चीज को। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। कैसे निकालते हैं आइगन वैल्यूज, कोई भी मैट्रिक्स आपको दे देता है और पूछता है कि आइगन वैल्यू निकालो, सो व्हाट इज द प्रोसीजर टू फाइंड आउट द आइगन वैल्यूज फॉर अ मैट्रिक्स। ओके, तो यहां पर देखिएगा, यहां पर मैंने क्या करा है, एक एग्जाम्पल के तौर पर एक मैट्रिक्स, कौन सी मैट्रिक्स है ये बेसिकली आपकी 2x2 की मैट्रिक्स। ओके, ये 2x2 की मैट्रिक्स मैंने कंसिडर कर ली है एज अ एग्जाम्पल। इसी की हेल्प से मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आइगन वैल्यूज को फाइंड आउट किया जाता है। There is a procedure, वो procedure आपको follow करना है और हर बार आपकी आइगन वैल्यूज एकदम करेक्ट आने वाली हैं। यहां पर एक मैट्रिक्स ए आपको गिवन होगी, मैट्रिक्स का जो साइज होगा, अगर 2x2 का मैट्रिक्स का साइज है तो आपको जो यूनिट मैट्रिक्स कंसीडर करनी है वो भी 2x2 की करनी है। अगर आपके मैट्रिक्स का साइज 3x3 का है तो आपको जो यूनिट मैट्रिक्स कंसीडर करनी है वो भी आपको 3x3 की कंसीडर करनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहां पर कंसिडर कर लेते हैं कोई एक मैट्रिक्स ए है और लैमडा जो है वो कोई एक स्केलर टर्म है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे ए माइनस लैमडा आई। ओके, ए माइनस लैमडा आई, जब आप ए माइनस लैमडा आई फाइंड आउट करोगे, जैसे कि जो मैंने एग्जांपल लिया है उसी से ही मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूं। जो मेरे पास मैट्रिक्स ए है वो है 4 2 2 4, माइनस एज इट इज रख लेते हैं, लैम्डा एज इट इज रख लेते हैं। यूनिट मैट्रिक्स क्या होगी, अगर मैंने 2x2 की मैट्रिक्स को कंसिडर करा है तो 2x2 की यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, 2x2 की यूनिट मैट्रिक्स होती है 0 1 0 0 1। ओके, तो यहां पर पुट कर देते हैं 1 0 0 1। जब आप इसे माइनस करोगे, सब्सट्रैक्शन का केस है यहां पर, आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से सब्ट्रैक्ट करना है। और मैंने आपको बताया था कि जब किसी भी मैट्रिक्स में किसी स्केलर टर्म का अंदर मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो ईच एंड एवरी मेंबर्स के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन होता है, जबकि डिटर्मिनेंट में हम लोग क्या करते हैं, किसी एक रो के साथ या किसी एक कॉलम के साथ ही मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। तो अंदर जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो ये लैम्डा हो जाएगा। ओके, मैं यहां पर मल्टीप्लिकेशन वाली मैट्रिक्स को पुट कर रही हूं, तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू 1 लैम्डा, लैम्डा इंटू 0 0, लैम्डा इंटू 0 0, लैम्डा इंटू 1 लैम्डा। ओके, तो यहां पर जब आप इसको इससे माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस लैम्डा, क्योंकि हम लोग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही माइनस करते हैं। 2 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 4 माइनस लैम्डा। दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज आइगन मैट्रिक्स और कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। ओके,
अभी आइगन वैल्यू तक हम लोग पहुंचेंगे, बट उससे पहले कुछ चीजें समझते चलिए, क्योंकि ये आपका फर्स्ट प्रोसीजर है, फर्स्ट स्टेप है कि यहां पर सबसे पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स को बनाना सीखना है। तो कोई एक मैट्रिक्स ए गिवन होगी आपको, ए माइनस लैम्डा आई करके आप क्या करोगे, इस तरीके की एक मैट्रिक्स को डेवलप करोगे। इसी मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं आइगन मैट्रिक्स और कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। ओके, अब आपको कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स मिल गई। अब जब आप इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करोगे, इस मैट्रिक्स का क्या करना है, ए माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट ले लेना है। तो जैसे ही आप डिटरमिनेंट लोगे, यहां पर आप देख सकते हो मैंने इसी मैट्रिक्स का यहां पर डिटरमिनेंट लेके रखा है। अब डिटरमिनेंट को जरा सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 4 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस 4, क्योंकि क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराते हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करा दिया, माइनस का साइन रखा, इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करा दिया। तो यहां पर जब आप इसको सॉल्व करोगे, यहां पर जब आप इसको सॉल्व करने बैठोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 16 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा और माइनस 4 एज इट इज, आप जैसा रखा हुआ है वैसे ही रखा रहने दीजिए। जब आप इसे थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो कितना मिल जाएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा और ये कितना हो जाएगा, 16 माइनस 4 12। तो यहां पर आप देख सकते हो अब आपको क्या मिल गई है, अब आपको एक इक्वेशन मिल गई है। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज आइगन पॉलिनोमियल और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, क्योंकि ये आपकी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। ओके, ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन आपकी है। अब यहां पर आप देख सकते हो अगर आपकी मैट्रिक्स 2x2 की है, ओके अगर आपकी मैट्रिक्स 2x2 की है तो यहां पर आपको कौन सी इक्वेशन मिल रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है, यानी मैक्सिमम पावर आपको 2 मिल रही है। इसी तरीके से अगर आपके मैट्रिक्स 3x3 की होगी तो मैक्सिमम पावर कितनी मिलेगी, 3 मिलेगी, यानी आपको क्यूबिक इक्वेशन मिलेगी। इसी तरीके से अगर आपके मैट्रिक्स 4x4 की हुई तो फाइनल जो आपको यहां पर पॉलिनोमियल इक्वेशन मिलेगी उसकी पावर क्या होगी, उसकी मैक्सिमम पावर 4 होगी। ओके, तो ये छोटी सी ऑब्जर्वेशन थी जो मैंने आपको बताना चाहा। यहां पर इसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं आइगन पॉलिनोमियल और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अब यहां पर अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो डेफिनेटली इसमें रूट्स होंगे, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट होंगे, क्यूबिक इक्वेशन होगी तो 3 रूट होंगे, पावर 4 की इक्वेशन होगी तो 4 रूट एग्जिस्ट कर रहे होंगे। ये तो हम लोग 10th और 12th में पढ़ते थे। ओके, कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से उसके रूट्स को फाइंड आउट करते थे, ये बड़ा इजी सा मेथड था। मैं आपको अभी निकालना सिखाऊंगी कि रूट को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो यहां से ये जो आपको आइगन पॉलिनोमियल मिली है इसके जो रूट्स होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं आइगन वैल्यूज, इसी को ही हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक रूट्स और इसी को ही हम लोग बोलते हैं लेटेंट रूट्स। ओके, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहला स्टेप आपका क्या है कि आपको कोई एक मैट्रिक्स गिवन होगी, उससे क्या करोगे, आप सबसे पहले a माइनस लैम्डा आई को बनाओगे, a माइनस लैम्डा आई को बनाओगे। जैसे ही आप a माइनस लैम्डा आई सॉल्व करोगे तो आपको एक नई मैट्रिक्स मिलेगी, वो मैट्रिक्स आपके देख सकते हो यहां पर रखी हुई है। दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज आइगन मैट्रिक्स एंड कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। ओके, अब इसी मैट्रिक्स का क्या लेना है आपको, इसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लेना है। तो जैसे ही आप डिटरमिनेंट फाइंड आउट करोगे तो लैम्डा के टर्म में आपको क्या मिल जाएगी, एक इक्वेशन मिल जाएगी, इट मे बी क्वाड्रेटिक, इट मे बी क्यूबिक, इट मे बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ पावर 4। ओके, तो यहां पर जो आपको इक्वेशन मिलेगी आपको उस इक्वेशन के अब रूट्स को फाइंड आउट करना है। और जैसे ही आप रूट्स को फाइंड आउट कर लोगे, जहां पर सपोज कर लीजिए आपको जो प्रीवियस एग्जाम्पल से जो इक्वेशन मिली है इसको अगर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें तो देखिएगा जरा, ये आपका क्या है, लैम्डा स्क्वायर माइनस, इसको मैं 8 लैम्डा को 6 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा में ब्रेक कर देती हूँ, प्लस 12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, तो यहां से जब आप लैम्डा कॉमन ले लोगे तो कितना मिल जाएगा, लैम्डा माइनस 6 मिल जाएगा। और यहां से आप इन दोनों वैल्यू से, इससे और इससे माइनस 2 कॉमन ले लोगे तो लैम्डा माइनस 6 मिल जाएगा। तो लैम्डा माइनस 6 अगर दोनों से कॉमन ले लिया तो लैम्डा माइनस 2 बन जाएगा। इसका क्या मतलब है, यहां पर लैम्डा जो आपको मिलेगा, यहां पर जो इसके रूट मिलेंगे वो 2.6 मिलने वाले हैं। ओके, 2.6 मिलने वाले हैं, यहां पर 2.6 होगा। तो ये जो लैम्डा के दो रूट्स मिले हैं, दिस रूट्स इज कॉल्ड एज आइगन वैल्यू। ओके, इसी को ही हम लोग आइगन वैल्यूज बोलते हैं, इसी को ही हम लोग कैरेक्टरिस्टिक रूट बोलते हैं, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से जो रूट्स आएंगे वो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कहलाएंगे। इसी को ही हम लोग लेटेंट रूट्स ऑफ द इक्वेशन बोलते हैं। तो आपका फर्स्ट जो प्रोसीजर था आइगन वैल्यू को फाइंड आउट करने का, ओके आपका जो फर्स्ट प्रोसीजर था आइगन वैल्यू को फाइंड आउट करने का, वो हमने यहां पर सीख लिया कि भाई किस तरीके से हम लोग आइगन वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। अब बात करते हैं अगर आपसे आइगन मैट्रिक्स, सॉरी आइगन वेक्टर पूछता है तो आइगन वेक्टर हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। आगे चलते हैं और अब मैं आपको सिखाती हूं आइगन वेक्टर को फाइंड आउट करना। देखिएगा जरा, यहां पर जो हमारे पास मैट्रिक्स आई थी
ए माइनस लेमडा आई से आई थी, ओके, ए माइनस लेमडा आई से आई थी। तो जब आप यहां पर इसको सॉल्व करोगे, ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू जीरो, ओके, इसमें आप एक्स का मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये हो जाएगा ए माइनस लेमडा आई इन टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, ओके। अब जब आप इस वाले पार्ट को उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा आई इन टू एक्स। अब आई एक यूनिट मैट्रिक्स है, किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होगी तो आपका कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो यहां से आप देख सकते हो आपको मिल जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स। तो यहां पर ये जो आपको एक्स दिख रहा है ये आपको क्या देगा, ये आपको आइगन वैक्टर देगा। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन से आप क्या कर सकते हो, आसानी से आइगन वैक्टर को फाइंड आउट कर सकते हो। मैं आपको दिखाती हूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है अ नॉन जीरो कॉलम वेक्टर, ओके, नॉन जीरो कॉलम वेक्टर एक्स एन प्लस वन इज सेट टू बी एन आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स ए एन क्रॉस एन इफ ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स फॉर द सेम स्केलर लैम्डा, ओके। तो यहां पर पहले आप क्या करोगे, अब आप यहां पर देखो ये मैट्रिक्स जो है ये आपकी नून मैट्रिक्स होगी, क्योंकि मैट्रिक्स ये तो आपको गिवन होगी, तो ये आपकी नून मैट्रिक्स हो गई, ओके, ये आपकी नोन मैट्रिक्स हो गई। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहां पर ये भी आपको नोन होगा, क्योंकि आपको एक बार ए की वैल्यू पता चल गई, ए मैट्रिक्स पता चल गई, तो आप क्या करोगे, डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई की हेल्प से सबसे पहले आप क्या करोगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाओगे, उसके बाद क्या करोगे, इसको सॉल्व करके आइगन वैल्यूज को फाइंड आउट कर लोगे। तो यहां पर ए भी आपका नोन होगा, लैम्डा भी आपका नोन होगा, सिर्फ एक्स एक ऐसी चीज है जो आपकी अननोन होगी, तो इस इक्वेशन से आप ये अननोन आइगन वेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हो, ओके। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो आप आसानी से किसी भी मैट्रिक्स में अप्लाई कर सकते हो। जब आप मेरे साथ कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तब आपको इसमें ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि मैथमेटिक्स इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ओके। यहाँ पर प्रैक्टिस होना ज्यादा जरूरी है रादर देन आपको चीजें याद हो। एक बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ब खुद प्रोसीजर समझते चले जाओगे आप प्रोसीजर्स को, कि किस तरीके से हमें आइगन वैल्यूज एंड आइगन वैक्टर्स के साथ डील करना, ओके। तो यहाँ पर आइगन वैल्यूज हो गई, ये आपका आइगन वैक्टर हो गया। अब आगे चलते हैं और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर कोई 2x2 की मैट्रिक्स है तो क्या कोई शॉर्टकट है उसकी पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाने का, आइगन पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाने का। देखिए आपका जो मेन प्रोसीजर है वो तो आपने देख ही लिया, सबसे पहले आप ए माइनस लैम्डा आई को सॉल्व करो, ओके। ए माइनस लैम्डा आई को सॉल्व करने के बाद आपको यहां से अगर मैं इसी एग्जाम्पल को कंसिडर करूं, जरा ध्यान से देखिएगा, तो आपको मैट्रिक्स क्या मिल जाएगी। अगर आप आई मैट्रिक्स को देखोगे, आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो यानी माइनस कर रहे हो ए से लैम्डा आई, तो ये मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो वन वन होते हैं और जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सब जीरो होते हैं। तो जब आप ए में से जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स यहां पर माइनस करोगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपके जीरो हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये जो ए मैट्रिक्स है इसके डायगोनल एलिमेंट्स में आपको क्या करना है, सिर्फ लैम्डा लैम्डा माइनस करते चले जाना है, क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट्स जो आई मैट्रिक्स जो आपके पास है, इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे वन वन है। तो यहां पर आपको बार बार आप लिखने की जरूरत नहीं है, बस ए मैट्रिक्स देखिए, इसके डायगोनल एलिमेंट से लैम्डा को माइनस करिए, बी एज इट इज रखिए, सी एज इट इज रखिए। अब यहां पर ए डायगोनल एलिमेंट है और डी डायगोनल एलिमेंट है, तो डी से भी मैं लैम्डा को माइनस कर दूंगी, तो ये आपके पास क्या मिल गई, ये आपको आइगन मैट्रिक्स मिल गई। अब हमें क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो इसका डिटर्मिनेंट जब फाइंड आउट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिएगा जरा, ओके, इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारा है ए माइनस लैम्डा, ये बी है, ये सी है, ये डी माइनस लैम्डा है। तो जरा मल्टीप्लाई कराइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, ए माइनस लैम्डा डी माइनस लैम्डा माइनस बी सी इज इक्वल टू जीरो, ओके, ये आपका हो जाएगा। जब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिएगा, ये मिलेगा ए डी, ओके, माइनस ए लैम्डा माइनस डी लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस बी सी इज इक्वल टू जीरो, ओके। इसको थोड़ा ठीक से लिखते हैं, ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा कॉमन ले लिए तो क्या मिल जाएगा, ए प्लस डी मिल जाएगा। उसके बाद यहां पर देखिए ये क्या मिलेगा आपको, ए डी माइनस बी सी। ध्यान दीजिएगा जरा, मैं आपको यहां पर शॉर्टकट जो मैंने यूज करा है ना, मैं वो बताने की कोशिश कर रही हूं। अब आप जरा यहां पर ऑब्जर्व करो, ये क्या रखा हुआ है, ये रखा हुआ है आपका ए प्लस डी, ओके, ये आपका ए प्लस डी रखा हुआ है। और ए डी माइनस बी सी को जरा ऑब्जर्व करिए, अगर मैं यहां पर ये जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करूं तो मुझे कितना मिलेगा, ए डी माइनस बी सी मिलेगा। देखिए अगर आप इसका टू क्रॉस टू की मैट्रिक्स है, इसका अगर आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करोगे तो कितना मिलेगा, ए डी माइनस बी सी,
तो यहां पर भी ए डी माइनस बी सी रखा हुआ है, ए डी माइनस बी सी, इसका डिटर्मिनेंट भी ए डी माइनस बी सी रखा हुआ है। तो यहां पर क्या हम एक जो हम लोग इक्वेशन बना रहे हैं, जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है और कह सकते हैं जो हमारी आइगन इक्वेशन मिल रही है हमें, क्या हम उसे स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यहां पर हम लिखेंगे अगर कोई मैट्रिक्स 2x2 की है, तो इतना जो कैलकुलेशन आपने यहां पर किया है, इस कैलकुलेशन को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, इस कैलकुलेशन को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, डायरेक्टली यहां पर स्टैंडर्ड यूज कर सकते हो। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आपकी वैलिड है फॉर 2x2 मैट्रिक्स है। ओके, यहां पर देखिए लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर। ओके, उसके बाद क्या करना है, जो डायगनल एलिमेंट्स है, डायगनल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ए है और यहां पर डी है, दो डायगनल एलिमेंट्स हैं। माइनस का साइन लगाइए, देखें यहां पर भी माइनस का साइन आपको दिख जाएगा। यहां पर डायगनल एलिमेंट्स को आप ऐड कर दीजिए, लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहां पर देखिए ये आपका क्या है, ये आपका बेसिकली डिटर्मिनेंट ही तो आपने रखा है ए का, और यहां पर आप देखिए ये भी आपका डिटर्मिनेंट है। तो क्या इसकी जगह हम लोग मॉड ए पुट कर सकते हैं? डेफिनेटली इसकी जगह हम लोग मॉड ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए पुट कर सकते हैं। और मैंने आपको सिखाया था ट्रेस लेना, ट्रेस ऑफ ए की अगर मैं बात करूं तो ट्रेस क्या होता है, डायगनल एलिमेंट्स का एडिशन। ओके, ट्रेस क्या होता है, डायगनल एलिमेंट्स का एडिशन। तो कभी भी अगर आपको कोई 2x2 की मैट्रिक्स देता है, अगर आपको कोई 2x2 की मैट्रिक्स देता है और आपको इतनी सारी कैलकुलेशन से बचना है, और डायरेक्टली अगर आपको यहां पर इसकी इक्वेशन लिखना है, डायरेक्टली अगर आपको यहां पर इसकी इक्वेशन लिखना है, तो आप फॉर्मूला यूज कर लेना, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ जो गिवन मैट्रिक्स होगी 2x2 की, ट्रेस ऑफ ए, लैम्डा का मल्टीप्लाई कराइए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ द ए इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला है, जो यहां पर भी आपका लिखा हुआ है ए प्लस डी के टर्म में, इसे भी आप लिख सकते हो और इसे भी आप लिख सकते हो। ये आपको ध्यान रखना है ओनली फॉर 2x2 मैट्रिक्स। अब बात आती है कि अगर 3x3 की मैट्रिक्स हो गई, क्योंकि जरूरी तो नहीं है हमें 2x2 की ही मैट्रिक्स मिले। ओके, 3x3 की भी मैट्रिक्स मिल सकती है और मैक्सिमम टाइम 3x3 की मैट्रिक्स मिलती है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके भी एक प्रोसीजर है जो मैं आपको डायरेक्टली लिखवा रही हूं। अगर आपको रीचेक करना है, तो जैसे मैंने आपको रीचेक करके दिखाया कि वो फाइनल एक्सप्रेशन आप फाइनली यूज कर सकते हो, डायरेक्टली यूज कर सकते हो, यहां पर भी आप इस सेम प्रोसीजर को अप्लाई करके सीख सकते हो, यहां पर आपको पता चल जाएगा। तो अगर ये 3x3 की मैट्रिक्स है, तो यहां पर जो आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, क्यूबिक मिलेगी। मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी जो मैट्रिक्स है, अगर आपकी मैट्रिक्स 2x2 की है, तो यहां पर जब आपको फाइनल आप यहां पर आइगन पॉलिनोमियल फॉर फाइनल देखोगे, तो वो क्वाड्रेटिक मिलेगी, उसकी मैक्सिमम पावर 2 होगी। इसी तरीके से अगर आपकी 3x3 की मैट्रिक्स है, तो यहां पर आप देख सकते हो आपको कौन सी इक्वेशन मिलेगी, क्यूबिक इक्वेशन मिलेगी। तो यहां पर आप क्या करोगे, लैम्डा क्यूब प्लस करना है a11 a12 a13 a11 a सॉरी एक मिनट नॉट a11 a12 a13 इट्स a11 a22 एंड a33। ओके, A11, A22, A33 है क्या, आपने डायगनल एलिमेंट्स को ऐड कर दिया। डायगनल एलिमेंट्स को जब आप ऐड करते हो, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं ट्रेस ऑफ ए। ओके, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स है। तो यहां पर ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है, ये इक्वेशन आप 3x3 मैट्रिक्स के लिए डायरेक्टली यूज कर सकते हो। अगर यहां पर आपने सारी वैल्यूज को पुट कर दिया और फाइनली लैम्डा की एक इक्वेशन को फाइंड आउट करा, तो वो इक्वेशन आपकी कौन सी होगी, आइगन पॉलिनोमियल होगी। यहां पर देखिए सबसे पहले आपको लैम्डा क्यूब रखना है, सबसे पहले आपको लैम्डा का क्यूब रखना है, फिर आपको क्या करना है, माइनस साइन यूज करना है, फिर यहां पर ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स लैम्डा स्क्वायर। तो ध्यान रखिए लैम्डा स्क्वायर के साथ क्या आएगा, ट्रेस आएगा, लैम्डा स्क्वायर के साथ क्या आएगा, ट्रेस आएगा, फिर लैम्डा के साथ क्या आएगा, लैम्डा के साथ देखिए यहां पर सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करिए। एक सब मैट्रिक्स आपकी ये हो गई, चार एलिमेंट्स a11 a12 a21 a22। ओके, दूसरी सब मैट्रिक्स आपकी कौन सी होगी, ये हो जाएगी दूसरी सब मैट्रिक्स, ये क्या है a22 a22 a23 a32 a33। ओके, तीसरी जो सब मैट्रिक्स होगी वो ये होगी, तीसरी सब मैट्रिक्स a11 a31 a13 और a33। ओके, तो यहां पर देखिए a11 a13 a31 a33। तो यहां पर जब आप सबका डिटर्मिनेंट को ऐड करके रखोगे लैम्डा के साथ, और फिर माइनस कर देना है, क्या माइनस कर देना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहां पर 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो, जो भी डिटर्मिनेंट आएगा आप उसे यहां पर पुट कर दोगे। तो क्यूबिक इक्वेशन में आप देख रहे हो जो लैम्डा स्क्वायर है उसके साथ ट्रेस आ रहा है, और जो कांस्टेंट टर्म है उसके साथ क्या आ रहा है, आपका डिटर्मिनेंट आ रहा है।
कैसे शुरू कर रहे हैं, प्लस से शुरू कर रहे हैं, लैम्डा क्यूब प्लस है, फिर लैम्डा स्क्वायर माइनस है, फिर आपका क्या है लैम्डा प्लस है, फिर कांस्टेंट वैल्यू माइनस है, तो प्लस माइनस को फॉलो कर रहे हैं। यहां पर भी क्या कर रहे थे, यही कर रहे थे, प्लस फॉलो करा, माइनस फॉलो करा, प्लस फॉलो करा, तो माइनस और प्लस साइन में भी कंफ्यूज नहीं होंगे, प्लस से फॉलो करिए और अल्टरनेट पोजिशन पर आप साइन को पुट करते जाइए, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। अब अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो तीन ही एलिमेंट्स यहां पर आएंगे, एक हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर, एक हो जाएगा लैम्डा, एक हो जाएगा कांस्टेंट टर्म। अगर आपकी क्यूबिक इक्वेशन है तो एक ही आएगा, एक ही आएगा, एक ही आएगा, एक ही आएगा, यानी एक वैल्यू आपकी बढ़ जाएगी, यहां पर चार टर्म आपके हो जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से ये आपको कुछ मैंने शॉर्टकट्स बताए हैं। अगर ये शॉर्टकट नहीं याद है तो फिर आप जनरल जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया, ए माइनस लैम्डा आई निकालिए, फिर फाइनली क्या कर लीजिए, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लीजिए। जैसे ही आप इसके डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करोगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगी, उस इक्वेशन के जो रूट होंगे वो क्या देंगे, आइगन वैल्यूज देंगे। उसके बाद आप क्या करोगे, ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स अप्लाई कर दोगे। अब ए तो आपको पहले से पता था, लैम्डा आपने निकाल लिया रूट को फाइंड आउट करके, अब यहां से आप एक्स की वैल्यू यानी आइगन वैक्टर को फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, आगे चलते हैं और अब मैं बताती हूँ कि कोई भी दो वैक्टर कब ऑर्थोगोनल वैक्टर्स होंगे। ओके, कई बार आपसे पूछ लेता है कि कोई दो वेक्टर ऑर्थोगोनल कब होंगे, और कई बार ऐसे पूछ लेता है कि आपको दो वेक्टर्स दे देगा और पूछेगा कि ये दोनों ऑर्थोगोनल हैं कि नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, जब आप एक्स और वाई का मल्टीप्लीकेशन कराओगे या एक्स ट्रांसपोज और वाई का मल्टीप्लीकेशन कराओगे, अगर वो इक्वल टू जीरो आ जाता है तो क्या होगा, आपका ऑर्थोगोनल वेक्टर होगा। जैसे कि यहां पर अगर मैं एक्स ट्रांसपोज वाई का मल्टीप्लीकेशन कराऊं, यहां पर एक्स ट्रांसपोज वाई का मल्टीप्लीकेशन कराऊं, तो एक्स का तो मैंने ट्रांसपोज ले लिया, तो कॉलम किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रो में, तो ए वन हो जाएगा, ए टू हो जाएगा, ए थ्री हो जाएगा। उसके बाद वाई को यहीं पर लिख देते हैं, वाई को यहीं पर लिख देते हैं, ये क्या रखा हुआ है, बी वन बी टू बी थ्री। ओके, तो जब आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री। ऐसे ही तो कराते हैं ना, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराइए, ए वन का मल्टीप्लीकेशन बी वन के साथ करा दिया, प्लस का साइन लगाइए, ए टू का मल्टीप्लीकेशन बी टू के साथ प्लस का साइन लगाइए, ए थ्री का मल्टीप्लीकेशन बी थ्री के साथ रख दीजिए प्लस का साइन लगाइए। टोटल वैल्यू जब आप इसको टोटल सॉल्व करोगे, अगर ये आपका जीरो के इक्वल आता है, ओके, अगर आपका ये जीरो के इक्वल आता है तो ये दोनों वैक्टर ऑर्थोगोनल होंगे, अदरवाइज दोनों वैक्टर आपके ऑर्थोगोनल नहीं होंगे। ओके, जैसे कि यहां पर देखिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखिएगा, बोल रहा है चेक इफ आइगन वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल और नॉट। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हो आपको दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, एक वेक्टर एक्स दिया हुआ है जिसका वैल्यू कितना है, वन माइनस टू जीरो, और एक दूसरा वेक्टर आपको वाई दिया हुआ है जिसका वैल्यू कितना दे रहा है, टू वन और जीरो। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स ट्रांसपोज वाई का मल्टीप्लीकेशन कराते हैं। जब आप एक्स ट्रांसपोज वाई करोगे, और देखिए जरूरी नहीं है यहां पर आप एक्स ट्रांसपोज वाई ही करो, जैसे कि यहां पर मैंने लिखा है आप एक्स और वाई ट्रांसपोज भी कर सकते हो, एक्स और वाई ट्रांसपोज भी कर सकते हो। बेसिकली करना क्या है, कभी भी दो वेक्टर आपको दे जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे उसका आपस में मल्टीप्लीकेशन करा के एड कर लीजिए, तो ये ट्रांसपोज लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनडायरेक्टली हम लोग यही कर रहे हैं, ए वन बी वन फर्स्ट फर्स्ट वाले दोनों, ए टू बी टू सेकंड सेकंड वाले दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और ए थ्री बी थ्री थर्ड थर्ड वाले दोनों एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन कराना है। तो यहां पर अगर आप देखोगे, तो यहां पर देखिए, यहां पर अगर मैं एक्स वाई ट्रांसपोज लेती हूँ, ओके, एक्स वाई ट्रांसपोज लेती हूँ, तो एक्स आपका एज इट इज रहेगा, वन माइनस टू जीरो, और वाई का ट्रांसपोज लेंगे तो रो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा टू वन जीरो। ओके, जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा वन टू इंटू टू माइनस टू इंटू वन माइनस टू जीरो इंटू जीरो। देखिए इसका मैंने इसके साथ कराया, इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, और सबको ऐड कर दिया प्लस जीरो। ओके, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, प्लस टू माइनस टू क्या हो जाएगा, जीरो प्लस जीरो जीरो, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एक्स एंड वाई आर ऑर्थोगोनल। ओके, दोनों क्या है आपके, दोनों ऑर्थोगोनल वैक्टर्स हैं, ऑर्थोगोनल वैक्टर्स, एक्स एंड वाई आर ऑर्थोगोनल। ओके, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, बड़े बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द आइगन वेक्टर्स, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपके गेट में बनते हैं वो आपसे डायरेक्टली नहीं पूछता है कि भाई डायरेक्टली पूछ लिया कि कोई मैट्रिक्स ए दे दी उसका आइगन वैल्यूज या आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना है, उस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं, बट मैक्सिमम टाइम क्या होता है, गेट के क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्विस्ट जरूर होता है, तभी सारे स्टूडेंट उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स के जो क्वेश्चन है उसमें जो ट्विस्ट आता है वो जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज आता है। ओके, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिसको जिसको अगर आपको पता होगा जिसके बारे में,
तो डायरेक्टली आप क्वेश्चन देख के आंसर टिक कर सकते हो, बट अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं पता है तो फिर आप क्वेश्चन में घूमते रह जाओगे, आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो में प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। देखिएगा सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, बोल रहा है अगर कोई एक मैट्रिक्स है 3x3 की, ध्यान दीजिएगा मैं आपको एक जनरल एग्जाम्पल से समझा रही हूँ और वो वाली प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएगी। अगर कोई 3x3 की प्रॉपर्टी मैट्रिक्स है तो कैसे होगी प्रॉपर्टी, A11 होगी, A12 होगी, A13 होगी, उसके बाद क्या होगा, A21 होगा, A22 होगा, A23 होगा, फिर क्या होगा, A31 होगा, A32 होगा और A33 होगा। और मैंने आपको क्या बताया कि अगर 3x3 की मैट्रिक्स है तो आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो क्यूबिक मिलेगी, और इक्वेशन अगर क्यूबिक मिलेगी तो कितने आपको आइगन वैल्यूज मिलेंगे, 3 आइगन वैल्यूज मिलेंगे, क्योंकि एक क्यूबिक इक्वेशन में कितने रूट्स होंगे, 3 होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट होते हैं, 2 रूट होते हैं। पावर 4 की कोई पॉलिनोमियल में कितने रूट्स होते हैं, 4 रूट्स होते हैं। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगर आपकी 3x3 की मैट्रिक्स है तो λ1 λ2 λ3 3 आइगन वैल्यूज आपको मिलेंगी। इसी तरीके से अगर कोई n x n की मैट्रिक्स है तो फिर कितने आइगन वैल्यूज मिलेंगे, λ1 λ2 λ3 कहां तक, λn तक। तो यहां पर मैंने यही लिखा है कि अगर कोई एक मैट्रिक्स है n x n की, अगर कोई एक मैट्रिक्स है n x n की तो उसमें कितनी आइगन वैल्यूज होंगी, λ1 λ2 λ3, इस तरीके से करके टोटल λn तक आपको आइगन वैल्यूज मिलेंगी। जब आप वो सारी के सारी आइगन वैल्यूज को ऐड करोगे तो वो किसके बराबर होगा, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स से। बात समझ रहे हैं, यहां पर यही चीज समझने वाली है, यहां पर यही चीज समझने वाली है। मैंने बोला कि 3x3 की मैट्रिक्स में 3 आइगन वैल्यूज होंगी, λ1 होगी, λ2 होगी, λ3 होगी। तो ये प्रॉपर्टी है कि जब आप सारी के सारी आइगन वैल्यूज का, जब आप सारी के सारी आइगन वैल्यूज का एडिशन करोगे तो वो ट्रेस के बराबर हो जाएंगी, और ट्रेस क्या होता है, जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स है सबका समीशन। तो यहां से आपको एक इक्वेशन मिलती है कि समीशन ऑफ द आइगन वैल्यूज फॉर अ n x n मैट्रिक्स इज इक्वल टू द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, इसी तरीके से जब आप इन आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट करोगे, जैसे कि अगर मैंने 3x3 की मैट्रिक्स ली तो 3 आइगन वैल्यूज होंगी, तो मैं तीनों का प्रोडक्ट निकाल दूंगी, λ1 × λ2 × λ3, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये जो हमारे पास 3x3 का जो मैट्रिक्स है उसके डिटर्मिनेंट के बराबर हो जाएगा। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई n x n की मैट्रिक्स है उसमें n नंबर ऑफ रूट्स आपके होंगे, यानी n नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज आपको मिलेंगी, λ1 λ2 λ3 डैश डैश करके λn तक। तो जब आप सारी आइगन वैल्यूज का एडिशन करोगे, जब आप सारी आइगन वैल्यूज को ऐड करोगे तो वो ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स के बराबर हो जाएंगी, और जब आप सारी आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट फाइंड आउट करोगे तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स के बराबर होती है। और ये प्रॉपर्टी आपको बहुत हेल्प करती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ओके, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कंप्लीट हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी देखिएगा, बोल रहा है अगर लैम्डा जो है वो आइगन वैल्यू है किसी n x n मैट्रिक्स का, ओके, किसी n x n मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू है वो लैम्डा है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा के लैम्डा जो होगा वो आइगन वैल्यू किसका होगा, के का। इसी तरीके से a0 + a1 λ + a2 λ² आइगन वैल्यू किसकी होगी, a0 × a1 into a और a2 × a² और आगे जब आप देखोगे तो आपको मिलेगा a3 a³। ओके, फिर आगे आप देखोगे तो मिल जाएगा a4 a⁴ डैश डैश डैश, इसी तरीके से आपको रूट्स मिल जाएंगे। ओके, तो यहां पर मतलब क्या है, लैम्डा जो है वो आइगन वैल्यू हो गई a की, तो k लैम्डा आइगन वैल्यू किसकी हो गई, के ए की। इसी तरीके से a0 a₁ λ a₂ λ² आइगन वैल्यू किसकी हो जाएगी, आपकी a0 i के a₁ a² के, इस तरीके से आपको यहां पर आइगन वैल्यूज मिलती है। ये जो आपको प्रॉपर्टी नंबर सी पार्ट दिख रहा है, सेकंड प्रॉपर्टी का जो सी पार्ट दिख रहा है, इसे मैं अप्लाई करके भी आपको आगे चल के दिखाऊंगी। ओके, इसी तरीके से थर्ड प्रॉपर्टी को भी ध्यान रखिएगा कि अगर लैम्डा जो है वो आइगन वैल्यू है कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स n x n की। ओके, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसका डिटर्मिनेंट आपका जीरो ना हो, अगर डिटर्मिनेंट जीरो हुआ तो उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अगर लैम्डा जो है वो आपकी आइगन वैल्यू है किसी भी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स n x n का, तो 1/λ क्या हो जाएगा, आइगन वैल्यू हो जाएगी ए इनवर्स की। ओके, 1/λ किसकी आइगन वैल्यू होगी, ए इनवर्स की। कई बार आपको क्या कहता है कि ये एक मैट्रिक्स 3x3 की गिवन है, जो मैंने ये एग्जांपल लिया, सपोज कर लीजिए यहां पर आपको कुछ नंबर दे देगा 1 2 5 9 समथिंग करके, इस तरीके से 3x3 की एक मैट्रिक्स दे देगा और बोल देगा कि इस मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज है वो है 2 1 5। ओके, इस मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज हैं वो 2 1 5 हैं,
आप ए इनवर्स की आइगन वैल्यूज बताओ तो कुछ भी मत करिएगा, इन सबको रिवर्स कर दीजिएगा, क्योंकि 1/λ क्या हो जाएगी, 1/λ हो जाएगी आइगन वैल्यू आपकी ए इनवर्स की। इसी तरीके से मॉड ए अपॉन लैम्डा, मॉड ए मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन लैम्डा आइगन वैल्यू आपका हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। आपको कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर आपसे एडजॉइंट ए का आपसे पूछ रहा है आइगन वैल्यूज कितनी होगी तो एडजॉइंट मत निकालने बैठ जाइएगा। अगर एडजॉइंट निकालने बैठ गए तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा उस क्वेश्चन को कंप्लीट करने में। आपको एडजॉइंट का चाहे पूछ ले, चाहे ट्रांसपोज के आइगन वैल्यूज पूछ ले, चाहे इनवर्स की ट्रांसपोज आइगन वैल्यूज पूछ ले, ना ही आपको इनवर्स निकालना है, ना ही आपको ट्रांसपोज निकालना है, ना ही आपको एडजॉइंट निकालना है। जो गिवन मैट्रिक्स है उसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी उसी को ही आगे पीछे करके बनाना है। लाइक अगर कोई एक मैट्रिक्स गिवन है उसकी आइगन वैल्यूज आपको दे दी और इनवर्स की आइगन वैल्यू पूछ रहा है तो इनवर्स निकालने मत बैठिएगा, वो जो आइगन वैल्यूज दी है उसको 1/ में कन्वर्ट कर दिएगा तो ये वाली प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी, क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। इसी तरीके से अगर कोई एक मैट्रिक्स ए दी हुई है उसकी कुछ आइगन वैल्यूज उसको उसने आपको दे दी और पूछ रहा है कि एडजॉइंट ए की आइगन वैल्यूज बताओ, तो एडजॉइंट ए आपको नहीं निकालना है, आपको क्या करना है उसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लेना है और उसी मैट्रिक्स का जो आपके पास आइगन वैल्यूज होंगी उसी को डिवाइड करते जाना है और आपको क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ए का आइगन वैल्यूज मिल जाएगा। तो एडजॉइंट ए भी नहीं निकालना पड़ा और इनवर्स भी नहीं फाइंड आउट करना पड़ा। ओके आगे चलते हैं। अगर दो आप सपोज कर लीजिए दो वैल्यूज है ए प्लस आई बी और ए प्लस अंडर रूट बी। ओके ए प्लस आई बी और ए प्लस अंडर रूट बी, ये कोई मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन, ये कोई मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन, इसके आइगन वैल्यूज है ए प्लस आई बी। ओके ए प्लस आई बी और ए प्लस अंडर रूट बी, ये आपके कॉम्प्लेक्स रूट्स है, इस रूट्स को हम लोग बोलते हैं सर्ड्स रूट्स। ओके यहां पर मैं लिख देती हूँ ये कौन से रूट्स है, ये आपके सर्ड्स रूट्स कहलाते हैं, जो अंडर रूट में होते हैं ये आपके सर्च रूट्स कहलाते हैं। तो अगर इस तरीके के रूट बोल रहा है कि आइगन वैल्यूज हैं आपके रियल मैट्रिक्स एन क्रॉस एन के, तो डेफिनेटली इसका कॉन्जुगेट भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, क्योंकि ये रूट्स ऐसे होते हैं, ये वैल्यूज ऐसे होते हैं जो हमेशा पेयर में ही एग्जिस्ट करते हैं। अगर प्लस इनका दे रहा है तो माइनस छुपा हुआ है, माइनस भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, अगर माइनस में दे रहे होते तो प्लस में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। मतलब क्या होता है, ये जो रूट्स होते हैं ये पेयर में ही एग्जिस्ट करते हैं, सिंगल कहीं पर ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो अगर कहीं पर आपसे बोल रहा है कि भाई a प्लस आई बी या a प्लस अंडर रूट बी जो है इज एन आइगन वैल्यू ऑफ अ रियल मैट्रिक्स n क्रॉस n, देन डेफिनेटली a माइनस आई बी एंड a माइनस अंडर रूट बी इज ऑल्सो द अनदर आइगन वैल्यू ऑफ द सेम मैट्रिक्स n क्रॉस n। ओके क्योंकि n क्रॉस n की आपके पास मैट्रिक्स है तो टोटल n आपके पास यहां पर आइगन वैल्यूज होने वाली है, तो उसमें से अगर उसने बोल दिया कि दो आइगन वैल्यूज ये हैं, तो सपोज कर लीजिए यहां पर दो आइगन वैल्यूज a प्लस आई बी a प्लस अंडर रूट बी उसने गिवन दे दिया आपको, तो ये अंडरस्टूड बात है कि दो और आइगन वैल्यूज हमें पता हैं और वो दो और आइगन वैल्यूज क्या होंगी, a माइनस आई बी और a माइनस अंडर रूट बी। ओके तो ये प्रॉपर्टी आपकी यहां पर क्लियर हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। यहां पर बोल रहा है द आइगन वैल्यू ऑफ अ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज रियल। अगर कोई रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैं आपको बता चुकी हूँ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ओके वो सब हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिसेस में कवर कर चुके हैं। तो अगर कोई रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ओके तो अगर कोई रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसकी आइगन वैल्यूज भी हमेशा क्या होंगी, रियल होंगी। और हमेशा क्या, और सेकेंड हमारा क्या लिखा हुआ है, द आइगन वैल्यूज ऑफ अ रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो और इमेजिनरी। ओके अगर कोई रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसकी आइगन वैल्यूज आपको रियल मिलेंगी, और अगर कोई रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके आइगन वैल्यू या तो आपको जीरो मिल जाएंगी या तो आपको इमेजिनरी मिलेंगी। ओके तो ये एक बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है। इसी तरीके से सपोज कर लिए nth ऑर्डर a हैज n डिफरेंट आइगन वैल्यूज। अगर सपोज कर लीजिए कोई एक एक मैट्रिक्स है a n क्रॉस n की, ओके इसके पास क्या है, इसके पास लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 आइगन वैल्यूज है लैम्डा n तक, क्योंकि ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो टोटल इसके पास कितनी आइगन वैल्यूज होंगी, n नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज होंगी। अगर ये लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा n तक सारी डिफरेंट आइगन वैल्यूज हैं तो डेफिनेटली ये मैट्रिक्स के पास जो आइगन, ये मैट्रिक्स के पास जो आइगन वेक्टर्स होंगे दैट विल बी लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स x1 x2 x3 एंड x4। ओके लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन
वेक्टर्स यहाँ पर एग्जिस्ट करने वाले हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी, जैसे वहां पर आपसे लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन पूछता है, यहाँ पर भी आपसे पूछ लेता है कि टोटल इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स कितने होंगे। तो उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, पी से रिप्रेजेंट करते हैं और पी इज इक्वल टू एन माइनस आर क्या देगा, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वैक्टर्स आपको मिल जाएंगे। आगे मैं दिखाऊंगी कि किस तरीके से इंडिपेंडेंट आइगन वैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी को जरा ध्यान से देखिएगा। All eigenvalues of a nilpotent matrix will be equal to zero always. Okay, मतलब क्या है? Nilpotent matrix क्या होती है? अगर कोई एक matrix A है, अगर आपको पहचानना है कि ये nilpotent है कि नहीं है, तो आप क्या करोगे? इसका square ले लोगे और इसका square अगर null matrix के बराबर हो गया तो वो matrix क्या होती है? Nilpotent matrix होती है। तो अगर कहीं पर ऐसा लिखा है any matrix square is equal to null matrix, तो it means ये किसकी बात कर रहा है? ये आपकी nilpotent matrix की बात हो रही है। ओके, निल्पोटेंट मैट्रिक्स की बात हो रही है, तो जब भी कभी निल्पोटेंट मैट्रिक्स की बात होगी तो उसके सारे के सारे आइगन वैल्यूज क्या होने वाले हैं? सारे के सारे आइगन वैल्यूज जीरो होने वाले हैं। आगे चलते हैं, अगर आपके आइगन वैल्यूज रियल हैं, ओके, कोई कोई एक मैट्रिक्स आपको दे दी, ओके, उसमें आपने आइगन वैल्यूज को फाइंड आउट करा, अगर आइगन वैल्यूज आपके रियल आई हैं तो डेफिनेटली आइगन वेक्टर्स भी आपके क्या होंगे? रियल होंगे। अगर आइगन वैल्यूज इमेजिनरी फाइंड आउट करी हैं तो डेफिनेटली जब आप आइगन वेक्टर्स को फाइंड आउट करोगे तो वो आपके क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे। इसका मतलब क्या है? ऐसा कहीं पर नहीं हो सकता कि आइगन वैल्यूज तो आपको रियल मिली है बट आइगन वेक्टर्स आपको इमेजिनरी मिले हैं। रियल आइगन वैल्यूज पे रियल आइगन वेक्टर्स मिलेंगे और इमेजिनरी आइगन वैल्यूज पे इमेजिनरी आइगन वेक्टर्स आपके एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं आइगन वैक्टर्स की, अगर कोई रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ओके, अगर कोई रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसके जो आइगन वैक्टर्स होंगे वो एग्जिस्ट करते हैं पेयर वाइज ऑर्थोगोनल। मतलब क्या है? सपोज कर लीजिए आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है ए, ओके, सपोज कर लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, उसका सपोज कर लीजिए एक आइगन वेक्टर दिया हुआ है आपको 1 2, ओके, एक आइगन वेक्टर दिया है, तो दूसरा अगर ये रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपकी हुई, ओके, अगर ये आपकी कौन सी मैट्रिक्स हुई? रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, तो दूसरा आइगन वेक्टर क्या हो जाएगा? दूसरा आइगन वेक्टर हो जाएगा आपका 1 2 और 1 माइनस में। ओके, तो ये मतलब क्या है कि जब आप इसका प्रोडक्ट कराओगे तो 1 2 2 होगा और 2 1 2 होगा, ये आपका जीरो हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है जो आपका दूसरा आइगन वेक्टर हो, दूसरा आइगन वेक्टर हो वो क्या हो? दूसरा आइगन वेक्टर आपका हो सकता है, यहां पर देखिएगा आप, यहां पर आप कर सकते हो -2 और यहां पर आप कर सकते हो 1। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई कराओगे -2 और इसका मल्टीप्लाई कराओगे +2, तो ये आपका जीरो हो जाएगा। कुल मिला के आप, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई रियल सिमेट्रिक आइगन मैट्रिक्स है, अगर कोई रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, नॉट आइगन मैट्रिक्स, अगर कोई रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका अगर आपको एक आइगन वेक्टर पता है तो ये हमेशा क्या करेंगे? पेयर में ही एग्जिस्ट करेंगे। और इन दोनों के पेयर को जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको क्या मिलेगी? ऑर्थोगोनल कंडीशन मिलेगी। तो अगर मैंने आपको 1, 2 दिया, अगर सपोज कर लीजिए यहां पर आपको 1 और 1 मैं दे देती, तो नेक्स्ट इसकी आइगन वेक्टर क्या होती? अगर ये रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो नेक्स्ट आइगन मैट्रिक्स आपकी आइगन वेक्टर आपका क्या होता है? 1 -1 होता। जब आप इसका आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं, इसका आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं, 1 -1 कितना हो जाता? 0 हो जाता। तो इस तरीके से ही आपके वेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। ओके, इस तरीके से ही आपके वेक्टर एग्जिस्ट करते हैं फॉर अ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हो गया है आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स का विद ऑल दी प्रॉपर्टीज। ओके, जितनी भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी मैंने सारी की सारी कवर कर ली। अब चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है मैट्रिक्स ए 2 -4 4 -2, ओके, हैज रियल आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर, रियल आइगन वैल्यूज बट कॉम्प्लेक्स आइगन वेक्टर, कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज बट रियल आइगन वेक्टर्स, कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज एंड कॉम्प्लेक्स आइगन वेक्टर। देखिए यहां पर 4 ऑप्शन दिए हैं और 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी। मैंने आपसे क्या बोला कि अगर आइगन वैल्यूज रियल होंगी तो आइगन वेक्टर्स भी रियल होंगे, अगर आइगन वैल्यूज इमेजिनरी होंगी तो आइगन वेक्टर्स भी क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे। तो आपका रियल और कॉम्प्लेक्स तो एक साथ एग्जिस्ट कर नहीं सकता, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। कॉम्प्लेक्स और रियल तो एग्जिस्ट कर नहीं सकता, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब यहां पर बचा रियल, या तो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर आपके रियल होंगे या तो आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर आपके इमेजिनरी होंगे लाइक कॉम्प्लेक्स होंगे। तो ये दोनों ऑप्शन में से ही आपको एक ऑप्शन पता करना है। आप कैसे पता कर सकते हो? सिर्फ
सिर्फ आप क्या फाइंड आउट कर लो, आइगन वैल्यूज को फाइंड आउट कर लो। जैसे ही आपको आइगन वैल्यूज की वैल्यूज पता हो जाएंगी, अगर वो रियल आई तो डेफिनेटली आपको आइगन वेक्टर भी रियली मिलेंगे, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपकी आइगन वैल्यूज कॉम्प्लेक्स आ गई तो फिर आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि आपके आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स भी कॉम्प्लेक्स आने वाले हैं, तो फिर आपको उसको भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स को बनाएंगे, ए माइनस लैम्डा आई निकालेंगे। अगर ये आपके 2x2 की मैट्रिक्स है तो यहाँ पर आई क्या लेंगे, 2x2 की आई मैट्रिक्स ले लेंगे, क्या हो जाएगी, 1001। तो यहां पर जब आप ए माइनस लैम्डा आई को फाइंड आउट करोगे तो ए माइनस लैम्डा आई कितना मिल जाएगा आपको, यहां पर मैं आपको दिखा देती हूं कि a माइनस लैम्डा आपको कितना मिलेगा, ये हो जाएगा आपका 2 माइनस लैम्डा। ओके, माइनस 4 एज इट इज रहेगा, 4 एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा माइनस 2 माइनस लैम्डा। उसके बाद क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, यानी a माइनस लैम्डा आई का क्या ले लेंगे, डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो जब आप डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करते हो तो कैसे करते हैं, इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, माइनस का साइन इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करा देते हैं। तो यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 माइनस लैम्डा और ये हो जाएगा आपका माइनस 2 माइनस लैम्डा। ओके, और ये माइनस और 4 4 16, तो हो गया माइनस 16। जैसे कि यहां पर जब आप सॉल्व करोगे, माइनस बाहर ले लीजिए, दोनों से जब आप माइनस बाहर लोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा लैम्डा माइनस 2 और ये हो जाएगा लैम्डा प्लस 2 और ये हो जाएगा प्लस 16। जब आप इसे यहां पर सॉल्व करोगे तो बेसिकली यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, यहां पर आपको मिल जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 प्लस 16। ओके, तो यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं कि आइगन पॉलिनोमियल क्या होगी, तो आइगन पॉलिनोमियल हो जाएगी लैम्डा स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 0, नॉट माइनस प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहां से आप लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट करो तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 12 हो जाएगा, इधर प्लस था, अगर आप इसको उठा के इस साइड पर शिफ्ट करोगे तो प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। लैम्डा की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे ये आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 12। ओके, तो यहां से 12 को आप क्या लिख सकते हो, 4 × 3 लिख सकते हो, 4 × 3 = 12 होता है और 4 रूट से जब बाहर आएगा तो 2 बाहर आएगा और माइनस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर। तो बेसिकली यहां से जब आप लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे तो आपको मिलेगा प्लस माइनस 2i√3। ओके, प्लस माइनस 2i√3 और आप देख सकते हो यहां पर आपको ये जो वैल्यू मिली है, यहां पर आपको ये जो वैल्यू मिली है, ये वैल्यू कौन सी है, क्या ये वैल्यू रियल है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये वैल्यू आपकी रियल नहीं है, ये वैल्यू आपकी कॉम्प्लेक्स है। अगर आपके यहां पर आइगन वैल्यूज कॉम्प्लेक्स आ रही है तो डेफिनेटली आने वाले टाइम पर आप जब सॉल्व करोगे आइगन वेक्टर्स को तो वो भी क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स ही मिलेगा। तो यहां पर ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज एंड कॉम्प्लेक्स आइगन वेक्टर्स। ओके, कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज एंड कॉम्प्लेक्स आइगन वेक्टर, ऑप्शन ए भी आपका गलत हो गया। तो दो तो पहले ही हमने एलिमिनेट कर दिए थे, एक हमने एलिमिनेट तब किया जब हमने आइगन वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया। अब आइगन वैल्यू वेक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, आगे मैं और क्वेश्चन कराऊंगी, आपको आइगन वेक्टर निकालना भी सिखाने वाली हूं। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स ए। ओके, ये मैट्रिक्स आपको दी हुई है, इसकी आइगन वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। अभी मैंने आपको क्या प्रॉपर्टी बताई, मैंने प्रॉपर्टी बताइए, देखिए ये 3x3 की मैट्रिक्स है। ओके, ये 3x3 की मैट्रिक्स है तो यहां पर 3 आइगन वैल्यूज होंगी, लैम्डा 1 होगा, लैम्डा 2 होगा और लैम्डा 3 होगा, 3 आइगन वैल्यूज यहां पर एग्जिस्ट कर रही होंगी। मैंने आपसे क्या बोला कि जब आप आइगन वैल्यूज का समीशन करते हो, जब आप आइगन वैल्यूज का समीशन करते हो तो आपको ट्रेस मिलता है और इस पर्टिकुलर केस में सारे डायगनल एलिमेंट 0 है तो 0 को आप ऐड करते चले जाओ, आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। इसके बाद मैंने आपसे क्या बोला कि जितने भी आइगन वैल्यूज हैं उनका अगर आपने प्रोडक्ट कंसिडर कर लिया तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर हो जाएगा। यहां पर चलिए आइए ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, 0 लेने की कोई जरूरत नहीं है, माइनस आई लेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग सारी वैल्यूज माइनस हो जाएंगी, ये माइनस आई स्क्वायर बच जाएगा, फिर प्लस आई जब कंसिडर करेंगे तो ये आई स्क्वायर बचेगा, बाकी सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पर ये हो जाएगा आपका i³, तो ये हो जाएगा 2i³। ओके, आई स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, माइनस 1 होती है, तो बेसिकली आपको मिल जाएगा माइनस 2i। इसका मतलब क्या है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 का जब आप प्रोडक्ट कराओगे तो आपको किसके बराबर मिलेगा, माइनस 2i के बराबर मिलेगा। तो जरा यहां पर आप इन तीनों, ये क्या रखा हुआ है, ये आपका जो ऑप्शन में दिया है ये बेसिकली तीनों आइगन वैल्यूज ही दिए हैं, यानी लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 की वैल्यू दी है, तो आप ऑप्शन से क्रॉस चेक कर सकते हो कि ये तीनों आइगन वैल्यूज को प्रोडक्ट कराने
जाने पर कौन सा ऑप्शन हमें माइनस टू आई दे रहा है। जैसे कि यहां पर आप कराओगे तो माइनस टू आई क्यूब बचेगा, और आई क्यू आई स्क्वायर कितना होता है, माइनस वन होता है। जब आप यहां पर पुट करोगे तो ये प्लस का टू आई हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर एक गलत है। इसी तरीके से यहां पर जब आप तीनों का मल्टीप्लीकेशन कराओगे तो जीरो मिलेगा, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। यहां पर जब आप तीनों का मल्टीप्लाई कराओगे तो टू टू जा फोर, फोर जा सिक्सटीन, माइनस सिक्सटीन मिलेगा। आपको माइनस टू आई चाहिए, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। जब आप यहां पर इसका मल्टीप्लाई कराओगे माइनस आई प्लस का आई स्क्वायर इंटू टू आई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टू आई क्यूब। अब जब आप आई स्क्वायर की जगह माइनस वन पुट करोगे तो आपको माइनस टू आई मिलेगा, इसका मतलब ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। यहां पर ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो कई बार प्रॉपर्टी से ही आप आइगन वैल्यूज वगैरह को सब फाइंड आउट कर सकते हो। आप देखें यहां पर हमें ना ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की जरूरत पड़ी, ना ही रूट फाइंड आउट करने की जरूरत पड़ी। सिंपल प्रॉपर्टी से हमने क्या करा, यहां पर अपने आंसर को फाइंड आउट कर लिया कि भाई समीशन ऑफ दी आइगन वैल्यूज क्या होता है, ट्रेस ऑफ दी मैट्रिक्स के बराबर होता है, और जो प्रोडक्ट ऑफ दी आइगन वैल्यूज होता है वो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ दी मैट्रिक्स के बराबर होता है। उसी की हेल्प से आपका पूरा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ओके, आगे चलते हैं। और अब मैं आपको यहां पर बताती हूँ क्वेश्चन नंबर थ्री के बारे में। बोल रहा है कोई एक मैट्रिक्स है, ओके, कोई एक मैट्रिक्स है जिसका साइज क्या है, थ्री क्रॉस थ्री का साइज है। इसका मतलब यहां पर कितनी आइगन वैल्यूज होंगी, तीन आइगन वैल्यूज होंगी, लैम्डा वन, लैम्डा टू एंड लैम्डा थ्री। बोल रहा है विद कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लैम्डा क्यूब माइनस सिक्स लैम्डा स्क्वायर प्लस नाइन लैम्डा माइनस फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज ट्रू। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप यहां पर देखिए जरा, मैंने आपको एक स्टैंडर्ड क्यूबिक इक्वेशन बताई थी कि कभी भी आपको अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी पड़े तो वो स्टैंडर्ड इक्वेशन से ही कंपेयर करा के आप बना सकते हो। जहां पर लैम्डा क्यूब सिंगल रखा हुआ था, फिर क्या था, फिर आपका था ट्रेस, ट्रेस ऑफ ए लैम्डा स्क्वायर था, प्लस नाइन लैम्डा यहां पर सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट रखा था, माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ दी ए। ओके, तो यहां पर अगर आप देखोगे डिटर्मिनेंट ऑफ दी ए को कंपेयर करोगे तो वो किसके बराबर होगी, वो आपका फोर के बराबर होगी। एक मिनट मैं इसी के ऊपर ये भी लिख देती हूं, ये क्या दिया हुआ है आपको, लैम्डा क्यूब माइनस सिक्स लैम्डा स्क्वायर प्लस नाइन लैम्डा माइनस फोर। ओके, यही इक्वेशन आपको दी हुई है। तो यहां से जब आप इन दोनों को कंपेयर कराओगे तो डिटर्मिनेंट आपका किसके बराबर हो जाएगा, फोर के बराबर हो जाएगा। यहां पर डिटर्मिनेंट किसके बराबर कह रहा है, माइनस फोर के बराबर कह रहा है, इसका मतलब ये गलत है, क्योंकि आपका जो डिटर्मिनेंट है वो किसके बराबर आएगा, वो आपका फोर के बराबर आएगा। यहां पर आप देख सकते हो ये आपका पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, फिर नेगेटिव था। आगे चलते हैं, ट्रेस की बात करते हैं। अगर हम लोग बात करें कि ट्रेस ऑफ ए किसके बराबर होगा, तो ट्रेस ऑफ ए किसके बराबर होगा, यहां पर भी माइनस है, यहां पर भी माइनस है, ट्रेस किसके बराबर हो जाएगा, सिक्स के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, डिटर्मिनेंट आपका फोर के बराबर है, तो यहां पर ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन डी your correct answer, trace of the matrix A will be equal to the 6, okay? तो यहां पर आप देख सकते हो क्वेश्चन को मैंने क्या करा, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करा के ही डायरेक्ट आंसर फाइंड आउट कर लिया। ओके, तो इसी तरीके के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। बेसिक क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, इसी तरीके से थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं जहां पर आपको अपना दिमाग लगाना पड़े, थोड़ी सी चीजें आपको याद हो। ओके, आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जरा इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है एक मैट्रिक्स ए है। ओके, ये इसका साइज क्या है मैट्रिक्स का, यहाँ पर कॉलम काउंट करिए एक दो तीन चार, रो काउंट करिए एक दो तीन चार। ओके, यानी ये क्या है, फोर क्रॉस फोर की मैट्रिक्स है। अब बोल रहा है हैज फोर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू। ओके, फोर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है एंड वन ऑफ द आइगन वेक्टर इज गिवन, ये आपका वन ऑफ द आइगन वेक्टर है, वन 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 वन। ओके, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनदर आइगन वेक्टर, इसमें से कौन सा इसका एनदर आइगन वेक्टर होगा। अब एक बार जरा आप अपनी मैट्रिक्स पर नजर डालिए, आपका रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती क्या है। अगर मैं बात करूं रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो मैंने आपको जब टाइप ऑफ मैट्रिक बताई थी तो वहां पर मैंने रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करी थी कि रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जहां पर ए आई जे जो है वो ए जे आई के बराबर होता है। ओके, ए आई जे जो है वो ए जे आई के बराबर होता है। ये सबसे बेसिक ट्रिक है जिससे आप रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसका मतलब है ए वन टू की बात करें तो ए टू वन के बराबर होना चाहिए। देखिए वन टू का मतलब क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये रहा, और टू वन का मतलब क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये रहा, यानी ये हमारा क्या है, सेम है। चलिए और चेक कर लेते हैं, हो सकता है ये इत्तेफाक हो गया, ए वन टू ए टू वन सेम हो गया, अदर चेक करना पड़ेगा। ए थ्री टू और ए टू थ्री को जरा चेक करते हैं, तो थ्री का मतलब क्या है, थर्ड रो फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड
थर्ड रो और सेकंड आपका क्या हो गया, कॉलम हो गया। और टू थ्री का क्या मतलब है, टू थ्री का मतलब है सेकंड रो और थर्ड कॉलम। देखिए यहां पर भी फोर है, यहां पर भी फोर है। अब आगे चेक करते हैं, अब A13 को मैं A31 से देखती हूँ कि भाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। A13 पे देखिए आपका थ्री रखा हुआ है और A31 पे भी देखिए थ्री रखा हुआ है। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये आपकी क्या है, ये आपकी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दिस मैट्रिक्स इज रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये आपकी। इसका मतलब है फॉर अ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो आपके आइगन वेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, पेयर वाइज ऑर्थोगोनल होते हैं। अभी मैंने ये आपको प्रॉपर्टी में बताया कि फॉर अ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स द आइगन वेक्टर्स इज द पेयर वाइज ऑर्थोगोनल। अब आपको पहचानना है कि इसमें से कौन सा इसका पेयर होगा, तो इसमें से अगर आपको इसके पेयर को फाइंड आउट करना है, ओके, इसमें से अगर आपको इसके पेयर को फाइंड आउट करना है तो सबके साथ इसका मल्टीप्लीकेशन करा के देखिए। सबके साथ इसका मल्टीप्लीकेशन जब आप कराओगे तो जो आपको जीरो दे देगा ये उसी का ही परफेक्ट मैच होने वाला, ओके। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूं यहां पर, अगर मैं इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन कराऊं, फर्स्ट फर्स्ट देखते हैं, ए के साथ मैं मल्टीप्लीकेशन कराती हूँ, वन 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 दिया हुआ है और दूसरा हमारा क्या दिया हुआ है, वन जीरो माइनस वन वन, ओके। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कराइए, वन वन जा वन, वन जीरो जा जीरो, वन इंटू माइनस वन वन इंटू वन इन वन हो गया, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, वन बच जाएगा। इसका मतलब ये आपका सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि आपको वन मिल रहा है, आपको जीरो नहीं मिल रहा है, ओके। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है, जब दो वैक्टर्स का आपस में मल्टीप्लीकेशन करा है तो आंसर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, तभी वो ऑर्थोगोनल होंगे। ये प्रॉपर्टी भी मैंने अभी आपसे डिस्कस करी थी। सेकंड के साथ जरा देखिए, सेकंड के साथ देखिए, वन 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 तो आपको गिवन है और ऑप्शन बी आपका क्या है, ऑप्शन बी है वन वन माइनस वन माइनस वन। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराइए, वन वन जब वन, वन वन जब वन, वन इंटू माइनस वन माइनस वन, वन इंटू माइनस वन माइनस वन, सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, जीरो आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट है। अब क्वेश्चन देखने में आपको बहुत बड़े बड़े दिखेंगे, अरे इतने बड़े क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, मगर वो क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पर तो समझाने के लिए मैंने आपसे ये स्टेप देख भी लिए, आपको बता भी दिया, वरना अगर मैं आप समझा नहीं रही होती और ये क्वेश्चन कर रही होती तो मुझे बहुत पहले ही दिख गया था क्या है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखिए टू टू, थ्री थ्री, फोर फोर, फोर फोर, ओके। इस तरीके से जब आप पहचानोगे ना, और इसको पहचानने के लिए आपको किस चीज की प्रैक्टिस करनी होगी, इसको पहचानने के लिए आपको पोजीशन की, लोकेशन की प्रैक्टिस करनी होगी। आपको अगर फोर क्रॉस फोर की मैट्रिक्स दिख रही है तो आपको हर एक एलिमेंट की पोजीशन पता होनी चाहिए, वन टू वन थ्री, वन थ्री वन फोर, टू वन टू थ्री, टू फोर, थ्री वन थ्री, टू थ्री, थ्री थ्री फोर, ओके। इस तरीके से आपको हर एक एलिमेंट की पोजीशन का अंदाजा होना चाहिए। जब आपको ऐसा अंदाजा होगा तब आपको इस तरीके से क्रॉस चेक नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली इस तरीके से मैट्रिक्स को देखोगे और पहचान लोगे कि ये क्या है, एक रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। आगे चलते हैं और अब हम लोग डिस्कस करते हैं केले हैमिल्टन थ्योरम, ओके। केले हैमिल्टन थ्योरम और आइगन वेक्टर से रिलेट करके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं गेट में, तो सबसे पहले हम लोग केले हैमिल्टन थ्योरम को क्लियर करते हैं, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी कि किस तरीके से क्वेश्चन बनता है दोनों टॉपिक को कंबाइन करके, ओके। एक्चुअली में ये जो केले हैमिल्टन थ्योरम है ये आपकी बड़ी बेसिक सी थ्योरम है और बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरम है, ये आपकी चीजों को आसान कर देती है। और ये कहती क्या है, ये कहती है कि भाई केले हैमिल्टन थ्योरम की हेल्प से आप ए इनवर्स को इजिली फाइंड आउट कर सकते हो, और ये कहती है कि आपके पास जो मैट्रिक्स होगी वो दो तरह की होगी, आपके पास जो मैट्रिक्स होगी वो दो तरह की होगी, एक होगी नॉन सिंगुलर, ओके, एक होगी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और एक होगी आपके सिंगुलर मैट्रिक्स। जो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, उसका डिटरमिनेंट आपका जीरो होगा, और जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी उसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होगा। तो केले हैमिल्टन थ्योरम की हेल्प से आप नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ए इनवर्स पावर टू या ए स्क्वायर या ए क्यूब आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो, और सिंगुलर मैट्रिक्स अगर हुई तो भी केले हैमिल्टन थ्योरम की हेल्प से आप ए स्क्वायर ए क्यूब, ओके, ये सारी चीजें आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए यहां पर मैंने इनवर्स लिखा नहीं, ओके। अब केले हैमिल्टन थ्योरम को अप्लाई कैसे करते हैं, ओके। केले हैमिल्टन थ्योरम कहती है कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स क्या करती है, अपनी ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। मतलब क्या है, यहां पर केले हैमिल्टन थ्योरम कहती है कि भाई ए माइनस लैम्डा आई
इज इक्वल टू जीरो है, ओके, ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू जीरो है। अब यहां पर ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं, लैम्डा आई को आप उधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू लैम्डा आई, आई से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तो यहां पर आप डायरेक्टली लिख सकते हो ए इज इक्वल टू लैम्डा। इसका मतलब क्या है, ये लैम्डा क्या है, ये रूट है, किसका रूट है, इसी मैट्रिक्स का रूट है, ओके। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो आपकी बनेगी इससे, इससे जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी, ये लैम्डा इसी का ही तो रूट है ना, ये लैम्डा इसी का ही तो रूट है ना। तो यहां पर कैले हैमिल्टन थ्योरम कहती है कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी जो खुद की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसी को ही सेटिस्फाई करती है। इसका मतलब क्या है, सपोज कर लीजिए आपने इसकी हेल्प से, ओके, सपोज कर लीजिए यहां पर इसको, इसको तो नोट डाउन कर लीजिएगा कि भाई सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में आप क्या फाइंड आउट करोगे। कैले हैमिल्टन थ्योरम से हम लोग बेसिकली ए स्क्वायर ए क्यूब या ए इनवर्स को फाइंड आउट करते हैं, और ये कहती है कि भाई अगर आपने इसको सॉल्व करा तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी, सपोज कर लीजिए लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो आपको मिल रहा है, सपोज कर लीजिए, ओके। तो कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या कह रही है कि हर एक मैट्रिक्स अपनी खुद की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, और ए इज इक्वल टू लैम्डा भी आपने निकाला, इसका मतलब क्या है, आप लैम्डा की जगह क्या पुट कर सकते हो, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। तो यही सारी चीजों की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, ए इनवर्स को भी फाइंड आउट कर सकते हो या ए स्क्वायर ए क्यूब ए टू दी पावर फोर को भी इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। मैं कैले हैमिल्टन थ्योरम आपको अप्लाई करके दिखाती हूं तो अब आपको उसकी वैल्यू पता चलेगी कि कितना आसान कर देती है वो हमारे लिए चीजें, ओके। क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है फाइंड द ए इनवर्स बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम, आपको कैले हैमिल्टन थ्योरम की हेल्प से ए इनवर्स को फाइंड आउट करना है और ए मैट्रिक्स आपको गिवन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा ए माइनस लैम्डा आई, ओके। सबसे पहले आपको यहां पर कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स और कह सकते हैं आइगन मैट्रिक्स को ड्रॉ करना होगा, जब आप ड्रॉ करोगे तो मिल जाएगा 1 माइनस लैम्डा 3 4 2 माइनस लैम्डा, ओके। यहां पर आप ए पुट करोगे या लैम्डा एज इट इज रहने दोगे, यहां पर 2 क्रॉस 2 की आई मैट्रिक्स को आप पुट कर दोगे और 2 क्रॉस 2 की जो आई मैट्रिक्स होती है वो होती है 1001, ओके। तो आपको फाइनली यहां पर ये मिल जाएगी। अब आप क्या करोगे, अब आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लोगे, ए माइनस लैम्डा आई क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू जीरो। तो जब आप यहां पर डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे इसका इसके साथ इसका इसके साथ, तो 1 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा माइनस क्या बच जाएगा 4 3 जेड 12 इज इक्वल टू जीरो। अब इसको जरा सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो, लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस 10 इज इक्वल टू जीरो। यहां से यहां पर अगर कोई मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन नहीं है तो आई को मल्टीप्लाई करा दिया, आई कोई भी फर्क नहीं करता है यहां पर। यहां से अगर मैं आपसे बोलूंगी आई की वैल्यू कितनी होगी तो आप बोलोगे आई की वैल्यू होगी 1/10। ये एक मिनट रुक जाते हैं, ये काम बाद में करेंगे। जैसा कि कैले हैमिल्टन थ्योरम ने बोला कि एवरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ओके, एक एन क्रॉस एन की जो मैट्रिक्स होगी वो उसकी जो खुद की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी उसको क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, ए पुट कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ द लैम्डा। तो यहां पर पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 10i, ओके, ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 10i इज इक्वल टू जीरो। यहां पर अगर मैं i की वैल्यू पूछूं तो ये हो जाएगी 1/10, 10i को आप इस साइड कंसिडर कर लीजिए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा इधर जाके, ओके। मैंने क्या करा, ये 10i को मैं इधर ले गई तो माइनस से क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, फिर 10 को नीचे भेज दिया और इधर क्या बच गया, इधर बच गया आपका ए स्क्वायर माइनस 3a। अब आपको क्या चाहिए, ए इनवर्स चाहिए, दोनों साइड ए इनवर्स का मल्टीप्लीकेशन करा दिए तो आई में जब आप ए इनवर्स का मल्टीप्लीकेशन कराओगे तो ए इनवर्स ही मिलेगा। मैंने आपसे बोला था कि ए इनवर्स इज जस्ट लाइक अ 1, किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कराइए उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ये हो जाएगा 1/10। यहां पर जब आप ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कराओगे तो ए टू द पावर 2 रखा है और माइनस 1 आ जाएगा तो सिर्फ ए बचेगा माइनस, यहां पर आपका कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहां पर हम लोग फिर से आई कंसिडर कर लेते हैं, ओके। अब आगे देखिएगा, हमें ए इनवर्स की वैल्यू चाहिए विद द हेल्प ऑफ कैले हैमिल्टन थ्योरम, तो 1/10 मैंने ऐसे ही रखा, ओके। ए कितना दिया हुआ था हमें, 1342, तो यहां पर पुट कर देते हैं 1342 आपको ए दिया हुआ है, ओके, 1342 आपको ए दिया हुआ है माइनस 3i, तो 3 आपने एज इट इज रखा, ये हो गया 1001, ओके, ये आपने i की वैल्यू पुट कर दी। अब जरा इसको आप सॉल्व करो, 1/10 को ऐसे ही रखते हैं, ओके। अब यहां पर देखिए, आपको अगर सब्सट्रैक्शन करना है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप क्या करोगे, माइनस करोगे, तो 1 को किससे माइनस करेंगे, माइनस 3 से, तो माइनस 2 मिलेगा,
थ्री को किससे माइनस करेंगे, जीरो से, तो थ्री मिलेगा। इसी तरीके से फोर को किससे माइनस करेंगे, जीरो से, तो फोर मिलेगा। इसी तरीके से टू को किससे माइनस करेंगे, माइनस थ्री से, क्योंकि ये वाला थ्री पहले अंदर मल्टीप्लाई भी होगा ना, तो ये मिल जाएगा माइनस वन। अब अगर आपने 1 अपॉन 10 अंदर भेजा तो आपको फाइनली क्या मिल जाएगा, फाइनली मिल जाएगा माइनस 1 अपॉन 5, ये हो जाएगा 3 अपॉन 10, ये हो जाएगा 2 अपॉन 5 और ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 10। ये आपकी क्या आ गई, ये आपकी इक्वेशन आ गई ए इनवर्स की, सॉरी मैट्रिक्स आ गई ए इनवर्स की, विद द हेल्प ऑफ केले हैमिल्टन थ्योरम आपने ए इनवर्स को फाइंड आउट कर दी होगी। इसी तरीके से केले हैमिल्टन को अप्लाई करते हैं, आप एक बार यहां पर और देख लो कि हमने क्या करा है। केले हैमिल्टन थ्योरम ने हमसे बोला कि भाई सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिक अपनी ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, तो कभी भी आप लैम्डा की जगह ए पुट कर सकते हो और ए की जगह लैम्डा पुट कर सकते हो। क्वेश्चन में बोला कि ए इनवर्स निकालो विद द हेल्प ऑफ केले हैमिल्टन थ्योरम, तो हमने उससे क्या करा, हमने उससे सबसे पहले आइगन मैट्रिक्स बनाई, आइगन मैट्रिक्स के बाद हमने क्या करा, आइगन पॉलिनोमियल बनाई और आइगन पहले पॉलिनोमियल बना के लैम्डा को ए से रिप्लेस कर दिया और फाइनली ए इनवर्स हमने फाइंड आउट कर लिया, ए मैट्रिक्स हमें गिवन थी, तो यहां पर ए इनवर्स निकालने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। ओके आगे चलते हैं, यहां पर ये क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। बोल रहा है द आइगन वैल्यू ऑफ 2x2 मैट्रिक्स एक्स। ओके एक मैट्रिक्स है एक्स जिसकी आइगन वैल्यू कितनी दे रहा है, आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स एक्स इज गिवन -2, -3। ओके अब 2x2 की मैट्रिक्स है तो जब आप यहां पर पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाओगे तो क्वाड्रेटिक बनेंगी और उसमें रूट्स कितने होंगे, रूट्स आपके दो होंगे, तो दो रूट्स हैं तो रूट्स बोल लीजिए, चाहे कैरेक्टरिस्टिक रूट्स बोल लीजिए, चाहे आइगन वैल्यूज बोल लीजिए, बात एक ही है। तो बोल रहा है ये जो मैट्रिक्स एक्स है इसकी आइगन वैल्यूज जो आपको है वो गिवन है -2, -3। ओके फिर बोल रहा है द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स, एक अनदर मैट्रिक्स दे रहा है, लेट कर लेते हैं ये जो अनदर मैट्रिक्स है ये आपकी बी मैट्रिक्स है और इसकी वैल्यू कितनी दे रहा है, x+i -1। ओके x+5i। ओके x+i -1 और x+5i। ओके तो आपको क्या बताना है, इसकी आइगन वैल्यूज आपको गिवन है, इसकी आइगन वैल्यूज आपको गिवन है, एक्स मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू आपको गिवन है, बी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू आपको बताना है। कैसे बताओगे, देखिएगा अगर मैं बात करूं यहां पर विद द हेल्प ऑफ केले हैमिल्टन थ्योरम, आपको पता है केले हैमिल्टन थ्योरम हमसे क्या कहती है कि हर एक इक्वेशन जो है वो अपनी ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, कोई भी एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स एनी स्क्वायर मैट्रिक्स आपकी अपनी ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, तो आपको पता है यहां पर ए इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, लैम्डा के बराबर। अब देखिएगा जरा अगर मैं बात करूं आइगन वैल्यू निकालनी है आपको किसकी, बी की, तो आइगन वैल्यू बी के किसके बराबर हो जाएगा, यहां पर बराबर हो जाएगा आइगन वैल्यू ऑफ एक्स प्लस आइगन वैल्यू ऑफ आई। ओके अब ये क्या है, इसका इनवर्स है तो इनवर्स लगा देते हैं, मल्टीप्लाई में क्या रखा हुआ है, मल्टीप्लाई में रखा हुआ है आइगन वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 5 आइगन वैल्यू ऑफ आई। ओके तो यहां पर आप देख सकते हो मैंने क्या करा, इसकी आइगन वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश करी है जो कि हमें निकालनी है। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं, आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स भी निकालनी है जिसको मैंने क्या लेट करा है, जिसको मैंने ये लेट करा है x+i -1 x+5i। तो अगर आप बी की आइगन वैल्यू निकालोगे तो इनडायरेक्टली आपको किसकी आइगन वैल्यू मिल जाएगी, इस पूरी इक्वेशन की आइगन वैल्यू मिल जाएगी। ओके तो यहां पर आइगन वैल्यू जो एक्स की है, जो आइगन वैल्यू एक्स की है वो 2 है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, 2 को कंसिडर करते हैं, आइगन वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2। ओके सबसे पहले ये लेते हैं, तो यहां पर क्या रखेंगे, आइगन वैल्यू ऑफ एक्स -2, आई की जो आइगन वैल्यू होती है हमेशा 1 होती है, तो ये हो जाएगा -1। उसके बाद यहां पर देखिए आइगन वैल्यू ऑफ एक्स -2 + 5, आइगन वैल्यू ऑफ आई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरीके से यहां पर आपको क्या मिलेगा, -2 + 1 -1 मिलेगा, इंटू में क्या मिलेगा, -2 + 5 3 मिलेगा, तो एक वैल्यू आपको मिल जाएगी -3। यहां पर मैं पुट कर देती हूँ -3, मुझे एक वैल्यू मिल गई। ओके सेकेंड कैलकुलेशन करते हैं, सेकेंड कैलकुलेशन में क्या करेंगे, अब यहां पर हम लोग पुट करेंगे किसकी वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू -3, क्योंकि आइगन वैल्यू एक्स की 2 दी हुई है, तो -3 पर देख लेते हैं क्या आइगन वैल्यू मिल रही है, तो ये हो जाएगा आपका -3। आइगन वैल्यू ऑफ आई कितनी है, 1 है, -1 मल्टीप्लाई करिए, आइगन वैल्यू ऑफ एक्स कितना है, -3 + 5, आइगन वैल्यू ऑफ आई कितना है, 1 है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपको मिल जाएगा, देखिए -3 + 1 - 2 इनवर्स में है, तो 1/-2 हो जाएगा। ओके अब देखिए मल्टीप्लाई कराइए, 5 - 3, ओके 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहां पर जब आप इसे सॉल्व करोगे
तो ये आपको मिल जाएगा -1। ओके, दूसरी आपको क्या मिल गई, दूसरी आपको मिल गई -1। तो आप जरा ऑप्शन चेक करिए, रॉन्ग है, रॉन्ग है। -3 -1 इज योर करेक्ट आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स, जिसको हमने बी कंसिडर करा था, तो ये इसका आंसर आ गया। ओके, तो इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, गेट प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर सोल्व कराया है। और आगे चलते हैं, अब हम लोग डिस्कस करते हैं डायगोनलाइजेशन ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, डायगोनलाइजेशन ऑफ द मैट्रिक्स का क्या मतलब है, ये कहता है कि हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को लिख सकते हैं किसके टर्म में, इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ इट्स आइगन वेक्टर, जो हमारे उस मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर होंगे, वो मैट्रिक्स प्रोडक्ट किसके साथ करना है, करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज। ओके, करना क्या है, कुछ आपको आइगन वेक्टर्स गिवन होंगे, कुछ आपको आइगन वेक्टर्स गिवन होंगे, आपको उसकी मैट्रिक्स बना लेनी है, और यहां पर डायगोनल मैट्रिक्स बनानी है किससे, आइगन वैल्यू से। सपोज कर लीजिए कहीं पर 2x2 की मैट्रिक्स है और इसकी आइगन वैल्यूज ए कॉमा बी दे रहा है, तो ए बी 0 0, ये क्या हो गई, डायगोनल मैट्रिक्स हो गई किसकी, आइगन वैल्यूज की। तो यहां पर जो डी है, ये डी आपका यही शो कर रहा है आइगन वैल्यूज इन डायगोनल्स, और जो एम है, ये एम क्या शो कर रहा है, एम शो कर रहा है आपका कोफिशियंट ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वैक्टर्स। ओके, कोफिशियंट ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वैक्टर शो कर रहा है, अभी मैं इसको क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाऊंगी, आपको सब समझ आ जाएगा। इस एम को हम लोग बोलते हैं मॉडल मैट्रिक्स, और इस डी को हम लोग हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो मतलब क्या है, डायगोनलाइजेशन ऑफ द मैट्रिक्स का मतलब है कि हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को लिख सकते हैं एक प्रोडक्ट के टर्म में, और वो प्रोडक्ट किसका होगा, वो प्रोडक्ट होगा आइगन वेक्टर्स का मैट्रिक्स का और डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ द आइगन वैल्यूज का। ओके, और एक चीज ध्यान रखिएगा, डायगोनलाइजेशन तभी एग्जिस्ट करता है, सपोज कर लीजिए 3x3 की मैट्रिक्स है, तो इसमें डायगोनलाइजेशन तभी एग्जिस्ट करेगा जब इसके तीनों, ओके, जब इसके तीनों आइगन वैल्यूज जो होंगी वो डिस्टिंक्ट होंगी, डिस्टिंक्ट का मतलब है अलग अलग होंगी। अगर इसमें से कोई भी एक आइगन वैल्यू सिमिलर हो गई, सपोज कर लीजिए लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 सेम आइगन वैल्यूज आपको मिली, λ3 डिफरेंट मिली, तो डायगोनलाइजेशन आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, इसी तरीके से ध्यान रखिएगा, अगर λ1, λ2, λ3 तीनों ही सेम हो गई, तब भी आपका डायगोनलाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो डायगोनलाइजेशन की कंडीशन क्या है, कि जो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स है, सबसे पहले तो वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, अगर वो डिस्टिंक्ट है यानी डिफरेंट डिफरेंट है, तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग उसके प्रोडक्ट के टर्म में रख सकते हैं। और प्रोडक्ट में होगा क्या, आपकी वेक्टर से मिलके जो एक मैट्रिक्स बनेगी वो होगी, उसी मैट्रिक्स का इनवर्स होगा, और बीच में क्या होगा, बीच में आपकी डायगोनल मैट्रिक्स होगी, और ये डायगोनल मैट्रिक्स किससे मिलके बनेगी, आइगन वैल्यूज से मिलके बनने वाली। ओके, मैं क्वेश्चन आपको इस पे कराती हूं, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। गेट 2006 में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था इसी टॉपिक से, बोल रहा है फॉर अ 2x2 मैट्रिक्स। ओके, 2x2 मैट्रिक्स गिवन है, यहां पर देख सकते हो आपको एक ये सिचुएशन गिवन है, आपको एक ये सिचुएशन गिवन है, और आपको एक ये सिचुएशन गिवन है, दो सिचुएशन यहां पर गिवन है। बोल रहा है मैट्रिक्स ए क्या होगी। अब अगर आप यहां पर गौर से देखोगे तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है, ये आपको ऐसे दिया हुआ है, ax is equal to lambda x के टर्म में दिया है। यहां पर भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है, ax is equal to lambda x यहां पर दिया हुआ है। अगर ये 2x2 की मैट्रिक्स है तो यहां पर क्या होंगी, दो आइगन वैल्यूज, मतलब ये दो ही है, आप एक ही हाथ को कंसिडर करिएगा, दो आइगन वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही होंगी। तो यहां पर जब आप इसको इसके साथ, इसको इसके साथ देखिए, ये भी x है, ये भी x है, ये आपका लैम्डा है, तो यहां से आप एक आइगन वैल्यू निकाल सकते हो जो कि -1 के बराबर होगी, और दूसरे एक्सप्रेशन से आप देख सकते हो ये x का है, ये x का को, ये x आपका क्या है, ये आपका वेक्टर है, और ये क्या दे रहा है, आइगन वैल्यूज दे रहा है, ये क्या है, -2 है। तो आप देख सकते हो 2x2 की मैट्रिक्स में दो आइगन वैल्यूज होंगी, और दोनों आपने गिवन एक्सप्रेशन से फाइंड आउट कर ली। ओके, उसके बाद यहां पर ध्यान से देखिए, ये आपको क्या दिया हुआ है, ये आपको एक आइगन वेक्टर दिया हुआ है, और ये क्या दिया हुआ है, ये आपको दूसरा आइगन वेक्टर दिया हुआ है। आपको क्या बताना है, आपको मैट्रिक्स बताना है कि मैट्रिक्स ए क्या होगी। अब अगर आपको डायगोनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो नहीं निकाल सकते कभी जिंदगी में। यहां पर एग्जैक्टली डायगोनलाइजेशन के मेथड से हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं, देखिएगा जरा, डायगोनलाइजेशन के मेथड से हम लोग जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ दी
मैट्रिक्स एम जो किसका प्रोडक्ट है, वेक्टर्स का, एक वेक्टर्स का कलेक्शन है। यहां पर क्या होगी, डायगोनल मैट्रिक्स होगी। ये डायगोनल मैट्रिक्स में किसका कलेक्शन होगा, आइगन वैल्यूज का कनेक्शन होगा। और एम इनवर्स मतलब ये जो आपके पास वेक्टर से मैट्रिक्स आएगी इसी का ही आपको क्या रखना, इनवर्स रखना है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहां पर देखूं, सपोज कर लीजिए एक वेक्टर आपको ये मिल रहा है और ये दूसरा वेक्टर मिल रहा है, लेट कर लेते हैं एक वेक्टर आपको एक्स वन मिल रहा है, ओके, आइगन वेक्टर कितना हो जाएगा, वन माइनस वन हो जाएगा। और जो दूसरा आइगन वेक्टर मिलेगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा वन माइनस टू के। तो हमें क्या चाहिए, हमें एम चाहिए, डी चाहिए, एम इनवर्स चाहिए। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए जो हमारा एम होगा, एम आपका क्या है, एम आपका है आइगन वेक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स। आइगन वेक्टर क्या है, वन माइनस वन, एक आइगन वेक्टर है वन माइनस वन, दूसरा आइगन वेक्टर है वन माइनस टू, दूसरा आइगन वेक्टर हो गया वन माइनस टू, एम मिल गया। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी, मैंने आपको बताया कि अगर दो आइगन वैल्यूज दी हुई है, क्या है, माइनस वन और माइनस टू, दो आइगन वैल्यूज क्या दी हुई है, माइनस वन माइनस टू, इसको डायगोनली प्लेस कर दीजिए। अगर थ्री क्रॉस थ्री की मैट्रिक्स होती, तीन आइगन वैल्यूज होती, तो उसको हम लोग थर्ड एलिमेंट डायगोनल प्लेस पर, थर्ड प्लेस पर हम लोग पुट कर देते हैं, और यहां जीरो आ जाएगा, यहां जीरो हो जाएगा, ये आपकी हो गई डायगोनल मैट्रिक्स। अब टू क्रॉस टू मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आप एम का डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लो, तभी आप इनवर्स निकाल पाओगे। ये हो जाएगा माइनस टू, ये हो जाएगा प्लस वन, बेसिकली आपको माइनस वन मिलेगा, ओके। अब अगर मैं पूछूं कि यहां पर इसका इनवर्स क्या होगा, तो इनवर्स का शॉर्टकट देखिएगा, ये बेसिकली होता है आपका एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ओके। अगर मैट्रिक्स आपकी एम है, अगर मैट्रिक्स आपकी एम है, तो ए की जगह आप क्या ले लोगे, ए की जगह ले लोगे adjoint of m upon determinant of m, okay, adjoint of m upon determinant of the m। तो यहां पर अगर आप एडजॉइंट ऑफ एम फाइंड आउट करोगे, तो एडजॉइंट ऑफ एम टू क्रॉस टू की मैट्रिक्स का क्या होता है, ये मैंने आई थिंक आपको नहीं बताया है, सीख लीजिए। टू क्रॉस टू की मैट्रिक्स का एडजॉइंट आप डायरेक्टली लिख सकते हो, बस आपको करना क्या है, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसकी पोजीशन चेंज कर देनी है, यानी वन की जगह माइनस टू आ जाएगा और माइनस टू की जगह वन आ जाएगा, और जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बचे, मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो बचे हैं, उनको आपको पोजीशन चेंज नहीं करनी है, उनके साइन को चेंज कर देना है। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये आपका एडजॉइंट आ गया। अब इसमें आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ये अभी मैं आपको दिखाती हूँ, चलिए एक पेज और ले लेते हैं। अब मैं एम इनवर्स निकालती हूँ, तो एम इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, एम इनवर्स आपका बराबर हो जाएगा, यहां पर एम इनवर्स बराबर हो जाएगा माइनस टू माइनस वन, वन 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 अपॉन कितना हो जाएगा, माइनस वन, क्योंकि डिटरमिनेंट एम का कितना आया, माइनस वन आया है। अब जरा ये माइनस वन का अंदर मल्टीप्लीकेशन कराइए, तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो ये आपको एम इनवर्स मिल गई। तो क्या कहता है डायगोनलाइजेशन, कि किसी भी मैट्रिक्स को आप क्या कर सकते हो, एम डी एम इनवर्स के टर्म में लिख सकते हो। तो एम आपका कितना आया है, एम आपका आया है यहां पर देखिए वन वन माइनस वन माइनस टू, वन वन माइनस वन माइनस टू, डी आपका कितना आया है, डायगोनल मैट्रिक्स आपने कितनी निकाली है, माइनस वन जीरो जीरो माइनस वन, माइनस वन जीरो जीरो माइनस कितना है, माइनस टू है, माइनस जीरो माइनस टू, ओके। अब डी इनवर्स कितना, सॉरी एम इनवर्स कितना आया, ये आया है टू वन माइनस वन माइनस वन, आपको मिल गई मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आपको गिवन नहीं थी, मगर आपको क्या गिवन था, आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यूज गिवन थी। तो आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यूज की हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हो मैट्रिक्स को, जिस तरीके से मैट्रिक्स की हेल्प से आप आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो, उसी तरीके से विद द हेल्प ऑफ डायगोनलाइजेशन कॉन्सेप्ट आप आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यूज की हेल्प से गिवन मैट्रिक्स को भी, मतलब नॉन गिवन मैट्रिक्स को भी फाइंड आउट कर सकते हो। जरा ऑप्शन देखिए, वन वन माइनस वन माइनस टू कहीं पर दिख रहा है, ये दिख रहा है, देखिए ऑप्शन सी डायरेक्ट दिख रहा है, वन वन माइनस वन माइनस टू, उसके बाद क्या आया है, माइनस वन जीरो जीरो माइनस टू, माइनस वन जीरो जीरो माइनस टू, सही है। फिर तीसरा क्या आया है, टू वन माइनस वन माइनस वन, टू वन माइनस वन माइनस टू, सॉरी देखिए हमारी गलती है, यहां पर ये ऑप्शन टिक करिएगा थोड़ा सा, टू वन माइनस वन माइनस वन, ओके, टू वन माइनस वन माइनस वन ही होगा, ऑप्शन में मिस्टेक है, टाइप करने पे मिस्टेक हुई है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, ओके। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं, ये ऑप्शन ठीक कर लीजिएगा, ये ऑप्शन बाय मिस्टेक प्रिंट हुआ है, यहाँ पर माइनस टू, वहां पर माइनस वन ही आएगा,
और आपका सही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा जहां पर आपने ए की वैल्यू को फाइंड आउट करा है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, अगर इसमें कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम लगी हो तो मेरे से जरूर क्लियर करिएगा, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे इस तरीके के और भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, जहां पर मैं आपसे गेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के ऊपर बात करने वाली हूँ कि किस तरीके से वहां पर हम लोग आइगन वैल्यूज और आइगन वैक्टर को फाइंड आउट करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।